प्रोग्राम में आज आपके साथ और मैं हूं आपका मेजबान अलमास अली जोविंदा। नाज़रीन, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक रिसर्च छपी और वो बड़ी मजेदार रिसर्च थी। उसमें ये कहते हैं कि 9 out of 10 डॉक्टर्स दे बिलीव दैट 1 out of 500 डॉक्टर्स आर वेरी गुड मेडिकल एंटरप्रेन्योर्स। नाउ व्हाट आर द मेडिकल एंटरप्रेन्योर्स? दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। वो डॉक्टर जो मेडिसिन के साथ अपने बिजनेस को भी प्रमोट करते हैं और अपने प्रोफेशन को भी प्रमोट करते हैं। आई हैव गॉट वन ऑफ द गाय जो पाकिस्तान में ENT में एक अपना नाम रखते हैं, ENT को प्रमोट करने के लिए, इस प्रोफेशन को आगे ले जाने के लिए उनकी खिदमात बेतहाशा है। मेरे साथ हैं डॉक्टर नसरुल्ला राणा। डॉक्टर साहब, आपको अपने प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप तो एक टीवी सेलिब्रिटी, 20 साल आपने टीवी पे प्रोग्राम किया। बिल्कुल, कंटिन्यूस किया, लाहौर से भी किया, और वो टीवी जब एक टीवी होता था, राइट, टीवी पे आना बहुत बड़ी बात थी। अब तो खैर बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं, उस जमाने में टीवी पे आना और उसको सस्टेन करना सबसे मुश्किल काम था। डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम था टीवी क्लिनिक। हाँ, टीवी क्लिनिक। आई स्टिल रिमेंबर, दैट वाज वेरी पॉपुलर प्रोग्राम। तो आप बीइंग अ डॉक्टर, यू बिकेम एन एंकर। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मैंने आपके अंदर सलाहियत टैप की किसी ने, ये क्या हुआ? नहीं, ये सर मैं आपको बताता हूँ। रफीक वडाय साहब जनरल मैनेजर होते थे PTV के, उन्होंने मेरे पास एज ए पेशेंट आए अपने बेटे को दिखाने। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप में लगता है मुझे, ये आपको बड़ा अच्छा पूछा है। तो उन्होंने कहा, यार आप आए कल। मैं गया हूँ, मैंने उनको साथ प्रॉपरली फिर सारा ये वो थोड़ा सा गपशप लगाई। तो उन्होंने रूई जहाज जो बहुत मशहूर और बड़ी एक पाए की प्रोड्यूसर थी, उनके साथ उन्होंने मुझे कहा कि जी डॉक्टर साहब ये आप जाएँ, ये अगर आपको इनके साथ चल सके ये आपकी हिम्मत है। फिर आगे से अल्लाह ताला ने मदद की, लोगों को मेरे जहन में था कि हम कुछ हेल्थ को भी बताएं। अभी भी मेरा एक है, हेल्थ शुड बी नंबर वन प्रायोरिटी। हेल्थ को गोरे ने वेल्थ कहा है, और मेरा एक ओपनिंग सेंटेंस टीवी पे होते थे जैसे कि हेल्थ इज वेल्थ एंड हेल्थ इज ए क्राउन विच इज ओनली विजिबल टू द सिक। मैं इसको रिपीट करूंगा कि सेहत को दौलत कहा है गोरे ने, तालीम को भी नहीं कहा। तालीम बाद में, सेहत होगी तो तालीम काम आएगी। नहीं, जब डॉक्टर साहब आपने टीवी पे आना शुरू किया और आपके अखबारात पे इंटरव्यूज आना शुरू हुए और पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से और पर्टिकुलरली ENT के हवाले से आप के इंटरव्यूज जो थे उसको बड़ी पजीराई मिली। जो हमारे काफ़ी सारे सीनियर्स डॉक्टर थे उनका ख्याल ये था कि मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें इस तरह का पब्लिक एक्सपोजर अच्छा नहीं है। जो आपकी सेल्फ प्रमोशन है ये मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। ठीक। लेकिन इसके बावजूद आपने उसको रेजिस्ट किया और उससे जो लर्निंग प्रोसेस था जनरल पब्लिक का वो बहुत बड़ा, और फिर लेटर ऑन उन तमाम डॉक्टर्स ने वही पैटर्न अडॉप्ट किया जो आपने। तो शुरू में काफी मुश्किल सर, मैं आपको बताता हूँ, हर नया काम जब शुरू करें तो उसको बड़ी रेजिस्टेंस आती है। ओके, मुआशरा जो है चीज को कबूल नहीं करता। राइट, हेल्थ का ये सब्जेक्ट जो पहली दफा कराची से शुरू हुआ, ओके, कराची में नसीरे शेख और हामिद शौकत साहब टीवी पे प्रोग्राम करते थे। पंजाब में से वाहिद मैं आदमी जो जिसने इस काम को अपने कंधों पे वजन डाल के बड़ी हिम्मत से निकला हूँ, और वही सही बात है जो लोग पहले मुखालफत करते थे अब खुद करते हैं। डॉक्टर साहब के एक पेशेंट इनके पास आए और उन्होंने आके कहा कि मेरी बीवी के टॉन्सिल्स आपने निकालने हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि उसके तो मैंने 2 साल पहले टॉन्सिल्स निकाले थे, और इंसान के जिस्म में देयर इज ओनली 1 set of tonsils, 2 नहीं होते। तो उसने कहा, डॉक्टर साहब बेगमात तो 2 हो सकती हैं, यू नो। तो डॉक्टर साहब, ये आपकी जो सोशल लाइफ है इसमें यू कम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल, बड़े डाइवर्सिफाइड लोगों से आपका रबता रहता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आपने ENT की ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में शुरू की, एंड यू आर द पायनियर ऑफ दैट एक्चुअली, उस वक्त जिस तरह मैंने आपको बताया कि शुरू में काफी रेजिस्टेंस थी, लोगों ने उसको उतना अप्रिशिएट नहीं किया, अच्छी चीज के लिए, लेकिन यू आर गुड एनफ एंड सॉलिड एनफ टू रीच द टॉप हायरार्की, और प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान से आप मिले। थोड़ा सा हमें बताएं कि हाउ डिड यू स्टार्ट दैट ENT सोसाइटी की बुनियाद जो थी, नहीं वो 1980 में, फर्स्ट जून 1980 को इंटरकॉन्टिनेंटल, ये PC नहीं कहलाता था, उसका ये इसका नाम था इंटरकॉन्टिनेंटल। उसमें 1 जून को चारों सूबों से ENT के डॉक्टर वहाँ पर आए, हमने एक ENT सोसाइटी बनाई, और उसके अंडर दैट दे पुट मी द ड्यूटी That go and see President General Ziaul Haq. और Ziaul Haq साहब आम प्रेसिडेंट नहीं थे। And you were very young that time. मैं I was very young और बहुत बड़ा वजन मुझे दे दिया। बड़ी ग्लैमरस तस्वीरें मुझे अभी ये मैंने आपको दिखाई, मैं अभी देखते हैं दोबारा। चीज ये है कि मेरे जुमे ये ड्यूटी लगी कि मैं, एंड ही वॉज प्रेजिडेंट प्लस ही वॉज चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। उनकी जो असल पोस्ट थी वो CMLA थी। मैं however I got an opportunity to see him. मुझे उन्होंने 5 मिनट का टाइम दिया घर में। ये नहीं है कि मैं उनके पास GHU में गया हूँ या प्रेजिडेंट हाउस में, उन्होंने मुझे पर्सनली घर बुलाया। मैं घर गया हूँ, यकीन करो 5 मिनट की जो मीटिंग थी वो 1.5 घंटे तक फिर चली।
मैंने उन्हें कहा जब मैंने बताना शुरू किया कि ये गेटवे टू दी बॉडी है, नाक कान गला सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी है जिसके ऊपर आज तक काम ही नहीं हुआ। छोटा सा कान का आला लगवाना होता था, लोग लंदन जाते होते थे। कानों के टेस्टिंग का कोई पाकिस्तान में उस वक्त सिस्टम नहीं था। जैसे दिल के लिए ECG होती है, इस तरह कानों की एक ऑडियोग्राम होती है। देर वॉज नो क्वालिफाइड पर्सन, देर वॉज नथिंग कि यहाँ पर किसी बंदे के बहरापन का इलाज हो सके। तो ही लिसन टू मी, उन्होंने कहा व्हाट आई कैन डू। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आई हैव बीन सेंट बाई ऑल द 4 प्रोविंसेस, क्वेटा, पेशावर, कराची, लाहौर में आप ENT के डायग्नोस्टिक सेंटर का डायरेक्टिव इशू करें। ही लिसन टू मी, ही सेड देन आई ऑल्सो गिव अनदर ऑर्डर कि आप JPMC कराची और इस्लामाबाद में भी अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। देन ही इशूड द डायरेक्टिव टू ऑल द 4 प्रोविंशियल गवर्नर्स एंड फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ टू एस्टेब्लिश द ENT डायग्नोस्टिक सेंटर। वहां से एक अच्छे सफर का आगाज होता है। ENT की एक बुनियाद पड़ती है, वरना लोगों को पता ही नहीं था। अच्छा, कि नाक कान गला भी कोई चीज है। आपकी ये जो एसोसिएशन है जो आपने पाकिस्तान में शुरू किया, फिर उसमें साक के लेवल पे, और ये बहुत बड़ी ऑनर थी पाकिस्तान के लिए कि आपने इसको इनिशिएट किया। थोड़ा सा हमें ये बताएं कि आप जब इंडिया में गए तो इंडिया में आपको कैसा लगा, उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया? बिकॉज प्रोफेशनली जहां पे हमारी बेशमार जगहों पे जेलसी है, कंपटीशन है, हम एक दूसरे के बड़े कंपेटिटिव हैं, वहां पे आपको उन्होंने बीइंग एन ENT यंग कंसल्टेंट डॉक्टर सर्जन, हाउ यू आर अप्रिशिएटेड ओवर देयर। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये सार्क की भी एक स्टोरी है। सार्क जो थी, इसकी बुनियाद ढाका में प्रोफेसर अलाउद्दीन ने रखी। ओके, मैं पहली कॉन्फ्रेंस में गया, आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान। सेकंड कॉन्फ्रेंस जो थी वो नेपाल काठमांडू में थी, वहां पर एक्चुअली था। अब ये अभी भी आज मैंने आपको दिया नोएडा में जो मेरा इंटरव्यू है कि पाकिस्तान को जब सार की मेजबानी का शर्फ हासिल हुआ तो एक कद्दावर शख्सियत के तौर पर पाकिस्तान ऊपर है सार कंट्रीज में। बिल्कुल सही, इट वाज अ बिग सर्विस टू द कंट्री। हाउएवर वहां पर प्रोफेसर हीरा नंदानी जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे, काठमांडू में, अन्नपूर्णा में थी? नहीं नहीं, इट वाज इन काठमांडू और उनके जो कन्वेंशन सेंटर उसमें थी। ओके, वहां पर एक्चुअली मैंने अक्लमंदी से अपना कार्ड प्ले किया फॉर माई कंट्री। ओके, अब ये था कि पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी ढाका, दूसरी होगी काठमांडू, अब टर्न थी इंडिया की। ओके, मैंने उनके जो प्रेसिडेंट थे उनको अपनी अक्लमंदी से या जो भी थी, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, प्रोफेसर हीरा नंदानी बहुत बड़ा आदमी था और वो किंग एडवर्ड का ग्रेजुएट था, ही वाज 75-76 ईयर ओल्ड पर्सन, पूरे इंडिया का ENT के 4,000 डॉक्टरों का प्रेसिडेंट था। मैंने उसको बड़ा भाई बना लिया, ये बिल्कुल पर्सनल बात है। उसने कहा डॉक्टर साहब आप मेरे छोटे भाई हैं। जब वो बिजनेस मीटिंग हुई नहीं जिसमें डिसाइड होना था कि किन को मिलनी है मेजबानी, वो राजपूत तो नहीं था, मुझे ये बताएं, वो राजपूत भी था। मैंने राजपूत बन के उसके साथ सारा करके कि भाई लाइक दिस यू आर माई एल्डर। असल मैंने उसको जिस तरीके से ट्रैप किया वो मेरा बड़ा, मैंने वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे भाई हैं। तो कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी भाई नाउ इट विल गो टू द इंडिया। थर्ड फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ढाका में हुई है, ये मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। दूसरी आप काठमांडू में, तो तीसरी दिल्ली में। तो मैं उठ के खड़ा हुआ, मैं कहा आई एम योर यंगर ब्रदर, बड़ा भाई छोटे भाई के लिए सेक्रीफाइस करता। आपने पहले भी बात की कि पाकिस्तान जो है वो हमारा छोटे भाइयों की तरह हम उसको लेते हैं। तो मैं कहा देन यू शुड सेक्रीफाइस एंड गिव द यू सी वेन्यू टू पाकिस्तान। और उसके पास जवाब कोई नहीं रह गया था। फिर उसने कहा, उसने मेरे हाथ पकड़ के उसने खड़ा, ये फैक्ट है, बिजनेस मीटिंग में जहां पर बांग्लादेश का भी नुमाइंदा था, श्रीलंका का भी था, पाकिस्तान के लिए अल्लाह की मेहरबानी से मेरे कहने पे हमें वो मेजबानी मिली। और फिर उस जो थर्ड सार कॉन्फ्रेंस है वो पाकिस्तान में लाहौर में मैंने करवाई और उसके बड़ी लिए बड़ी मेहनत की। उसमें आप सोच नहीं सकते कि कितने लोग जो थे इंडिया से, बांग्लादेश, श्रीलंका, बल्कि अब्रॉड भी आए। और गवर्नर खालिद मकबूल थे, उन्होंने हमें स्पेशल डिनर दिया गवर्नर हाउस में टू ऑल द डेलीगेट्स, और हर शख्स को जाती तौर पर उन्हें रिसीव किया। इन शॉर्ट वो थर्ड सार कॉन्फ्रेंस जो थी इट वॉज ए ब्रेक थ्रू। वो जब मैंने यहाँ कराई तो उससे फिर यहाँ पर पाकिस्तान का जो पूरी दुनिया में और सार कंट्रीज में खासतौर पर एक इमेज बना, और हमारे यहाँ पर एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हुई। मनीला फिलिपीन में हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी लव द नोज, उसमें ये लफ्ज था कि ये नाक जो है इससे जिंदगी की इब्तदा यहां से होती है और जिंदगी की इंतहा भी यहीं से होती है, दम भी यहीं से मुसाफिर होता है। डॉक्टर साहब से ये इब्तदा और इंतहा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑन द गो इन द कार विद डॉक्टर नसरुल्लाह राणा।